सो गाइज़ मैं जानता हूँ आप सभी काफ़ी टाइम से नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे थे। सो मैं थोड़े गाइज़ बड़े साइज़ पे पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, तो तुम मुझे थोड़ा शेडिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं गाइज़, मैं फाइनली शेडिंग का ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ, जो कि है आगे का पार्ट, पार्ट टू। तो इस पार्ट में गाइज़ हम थोड़ा फर ड्रॉ करेंगे कि बाकी साइड के फर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और फर के साथ गाइज़ और छोटे छोटे डिटेल हैं उनको मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ गाइस, सबसे पहले क्या करना है, चारकोल पेंसिल पकड़ना है और जहाँ जहाँ पे डार्क पोर्शन है, जो डार्क फर है, उस पर स्ट्रोक लगाते जाना है। डायरेक्टली डार्क नहीं करना है गाइस, पहले स्ट्रोक लगाना है। जैसे मैं अभी आप देख रहे वीडियो में मैं किस तरीके से स्ट्रोक लगा रहा हूँ, और पेंसिल को शार्प रखना गाइस, ताकि आपको उसका प्रॉपर अच्छा रिजल्ट मिले। जो स्ट्रोक होता है, जो फर का स्ट्रोक रहता है, काफ़ी पतले पतले रहते हैं ना, तो आप शार्प पेंसिल यूज़ करेंगे तभी उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे जितने भी डार्क पोर्शन दिख रहे हैं उन सारी चीज़ों को डार्क कर दे जाओ। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ गाइज, लेकिन आप चाहे तो पूरे पोर्ट्रेट में जितना डार्क है उसको डार्क कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा हेड को करूँगा, फिर थोड़ा माउथ साइड आऊँगा इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारे मतलब जल्दी जल्दी नहीं होगा, मतलब काफ़ी सारा लोड एक साथ नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले मैं डार्क पोर्शन को डार्क करते जा रहा हूँ। और इतना होने के बाद अब गाइस ध्यान से देखिए, पहले मैं छोटे ब्रश से जो जो डार्क पोर्शन है उसको मैं ब्लेंड करते जा रहा हूँ, ताकि वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना है, एक मेरे पास थोड़ा मीडियम साइज़ का ब्रश है गाइस, उससे मैं उस एरिया को तो ब्लेंड कर ही रहा हूँ, साथ में जितने भी वाइट पोर्शन है वहाँ पर भी मैं ब्रश को चलाते जा रहा हूँ, ताकि जो चारकोल ब्रश पर लग रहा है वो जो वाइट पोर्शन है उस पर भी थोड़ा थोड़ा लग जाए, उसमें एक बेस लेयर तैयार हो जाए। तो ये ज़रूर करना, अगर चारकोल से यूज़ कर रहे हो तो चारकोल पाउडर की तरह ये यहाँ पे काम कर रहा है, कि जो चारकोल हमने यूज़ किया है वो ब्रश पे लग रहा है, ब्रश से हमारे जो वाइट पोर्शन है उस पे लग रहा है, और मैं बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ बिल्कुल आराम आराम से गाइस ब्लेंड कर रहा हूँ, जिससे मुझे स्मूथ थोड़ा स्मूथ रिजल्ट मिले। वैसे रेफरेंस फोटो में इतना स्मूथ दिस नहीं है, लेकिन आप ब्लेंड करोगे तो कहीं पर भी पैचेस ना पड़े, इसलिए बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपको हल्के हल्के से ब्लेंड करना है। अगर आप बड़े ब्रश का यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि चारकोल काफ़ी जल्दी फैल जाता है, छोटे ब्रश यूज़ करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर मैं बड़े ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इतना करने के बाद अब गाइस मैं पेंसिल को फिर से अच्छी तरीके शार्प करके छोटे छोटे डॉट्स और छोटे छोटे फर बनाते जा रहा हूँ, जो कि मुझे रेफरेंस फोटो में जिस तरीके का नज़र आ रहा है, मैं उस तरीके के छोटे 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 डॉट, छोटे छोटे स्ट्रोक, छोटे छोटे फर है उसको ड्रॉ करते जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहाँ पर, जहाँ पर लाइट पोर्शन है वहाँ पर अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले जो जिस एरिया पर डार्क पोर्शन है वहाँ वहाँ पर मैं स्ट्रोक लगाते जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, कहीं पर गाइस थोड़ा ज़्यादा डार्क लगा है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोक लगा लीजिए। इस डिटेलिंग वाले काम में गाइस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार यार मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, इतना पेशेंस मेरे पास नहीं है, ऐसा लगता है गाइस, लेकिन यही मेन पार्ट है गाइस। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपका ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहीं पे आपको पेशेंस दिखाना है, ये पार्ट काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल आराम से करो, डिटेल से करो, जल्दी जल्दी नहीं करना है।
और गाइस थोड़े थोड़े डिटेल करने के बाद जो हमने जो डार्क पोर्शन बनाया था वहाँ पे भी थोड़ा फर की तरह बनाने, मतलब थोड़े स्ट्रोक दिखाने हैं, जो कि फर है वो थोड़े बाहर निकले ऐसे स्ट्रोक दिखाने। तो आपको फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करके वहाँ पे स्ट्रोक लगाते जाना है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि कहाँ कहाँ पे मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और फिर से गाइस, क्योंकि एक लेयर से ये अच्छी तरीके से डार्क नहीं होता चारकोर, हमको काफ़ी अच्छा बनाना है, इसलिए हम डबल लेयर लगाएंगे। और डबल लेयर ज़रूरी नहीं गाइस, तब तक लेयर लगाओ जब तक आपको परफेक्ट रिजल्ट ना मिल जाए। तो मैं यहाँ पे और लेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छे से डार्क पोर्शन मिले। तो डार्क पोर्शन अच्छे से मिलेगा तो हमारा मिड टोन भी अच्छा आएगा, मिड टोन अच्छा आएगा तो हमारे हाइलाइट्स पार्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेंगे। इसलिए सारे पोर्शन को भले आपको डबल लेयरिंग करना पड़े, जो छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं उसमें भी डबल लेयरिंग करना पड़े, लेकिन आप लेयरिंग ज़रूर करना, जिससे आपको आपका मतलब थोड़ा काम आसान हो जाए और आपको जो रिज़ल्ट जिस तरीके का चाहिए था उस तरीके का रिज़ल्ट मिले। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं वाइट वाले पोर्शन पे हल्के हल्के से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो ये किस लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि वाइट पर हमको ड्रॉ करना है, लेकिन वाइट पर तब वाइट दिखेगा जब उसका बेस थोड़ा कुछ बेस में कुछ टोन होगा तब वाइट दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पर जो इसका वाइट पर बनेगा वहाँ पर हल्के हल्के से बिल्कुल लाइट प्रेशर से हल्के हल्के से स्ट्रोक लगा रहा हूँ, वो भी रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके, ताकि जब हम उसमें हाईलाइट करें तो वो हाईलाइट पैड काफ़ी अच्छे से नज़र आए। इसलिए यहाँ पे थोड़ा एक बेस लेयर देना है, क्योंकि बेस लेयर नहीं होगा तो हम उसको वाइट कैसे करेंगे, वाइट वाली चीज़ को तो और वाइट नहीं किया जा सकता। इसलिए थोड़ा डार्क करेंगे, मतलब थोड़ा एक शेड देंगे, उसके बाद हम उस पर हाईलाइट्स लगाएंगे। इतना होने के बाद गाइज अब ईयर वाला पार्ट देखना है। ईयर क्यों ध्यान से देखना इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ईयर की आइट साइड जस्ट हमको डार्क बैकग्राउंड बनाना है और ईयर है उस पर वाइट फर है, तो उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, जो भी उसको बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइट प्रेशर के साथ जो बैकग्राउंड है उसको हल्के हल्के से अब वहाँ पे साइड पर शेड करते जा रहा हूँ। कंप्लीट बैकग्राउंड को शेड नहीं करना है, बस जो ईयर के साइड साइड पे है उसे शेड करना है।
और जो स्टॉक लग रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक स्टॉक आएगा वहाँ पे हल्के हल्के से स्टॉक लगाते जाना है, क्योंकि हल्का सा शेड रहेगा उसके ऊपर ही हम एक स्टॉक लगा सकते हैं वाइट स्टॉक, क्योंकि इसलिए हमको वहाँ पे ब्लैक करना ज़रूरी है। तो हल्के हल्के से मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ। और जब भी आप शेड करो गाइस, मतलब इस पोर्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, इस फोटो की बात कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा ब्रश से एक्स्ट्रा जो चारकोल है उसको अलग थोड़ा डिफरेंट जगह पे फैलाइए, ताकि आपको एक बेस लेयर बने। बेस लेयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। हम ग्रेफाइट पेंसिल से जब बनाते हैं तो हम 2B का बेस लेयर बनाते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान है। ब्रश पे जो चारकोल लगा उससे बेस लेयर बना दो तो काफ़ी जल्दी बन जाता है गाइस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखिए किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, काफ़ी सिंपल है गाइस। एक आइट साइड मैंने ब्लैक चारकोल लगाया, उसके बाद फर की तरह हल्के हल्के से मैं यहाँ पे स्ट्रोक लगा रहा हूँ। उसको शेप देना है ईयर को, कि ईयर किस तरीके का शेप है। और लाइट शेड के लिए भी गाइस मैं सेम चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, बस लाइट प्रेशर के साथ। सो गाइस, हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। और जब भी आप यूज़ करें ध्यान रखना गाइस कि आप इसको, मतलब यहाँ से अगर कर्व हो जाए, मतलब गोल वाला शेप आ जाए, तो आप उसको हल्के से ब्लेड से कट कर लेना और कुछ इस तरीके का शार्प पॉइंट बना लेना मतलब। और आप जब इसे इरेज करोगे तो ऐसे इरेज नहीं करना, आप थोड़ा साइड एंगल से इरेज करना। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी पतले पतले बारीक हाईलाइट्स मिलेंगे। तो अगर आप सीधा यूज़ करेंगे तो अच्छे से हाईलाइट नहीं मिल पाएगा, इसलिए ट्राई करना कि इस तरीके से, मतलब थोड़े तिरछे एंगल पे इसे यूज़ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई के पास से मैं हाईलाइट करना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए इस तरीके से तिरछे यूज़ करेंगे तो काफ़ी पतले पतले आपको मतलब लाइंस मिलेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जब आप 5-6 स्ट्रोक 10 स्ट्रोक कर लेंगे इरेज, उसके बाद इसे हाथ से या फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर ले, क्योंकि इसमें भी चारकोल लग जाता है, उसके कारण कई बार अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पाता। तो बस अब सिंपल सा प्रोसेस है, एक एक स्ट्रोक को ध्यान से देखना है आपको कि कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद स्ट्रोक लगाते जाना है। जल्दी जल्दी नहीं लगाना, बिल्कुल आराम आराम से लगाते जाओ। मैं यहाँ पर गाइस एक पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हाथ रखूँगा तो यहाँ पे चारकोल ख़राब हो जाएगा और मेरे हाथ में थोड़ा पसीना आता है, तो उस कारण पेपर भी ख़राब होने लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे पेपर यूज़ करता हूँ। उसके बाद इस पर हाइलाइट्स लगाते जाता हूँ।
इतना होने के बाद गाइज अब मैं 2B मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके बीच बीच में हल्के हल्के से शेड कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा जो लुक है और जो वाइट फर है वो काफ़ी अच्छे से नज़र आए। तो ये करना जरूरी है गाइज, जो फर है जो आपने वाइट स्ट्रोक दिया है उसके जस्ट आइट साइड थोड़े स्ट्रोक लगाते जाओ हल्के हल्के से। उससे क्या होगा, जो आपका वाइट वाला स्ट्रोक है, वो जो वाइट फर है, वो और अच्छे से हाईलाइट होगा। सो गाइज, इतना ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट लग रहा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है गाइज। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इतना ड्राइंग करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया गाइज। अगर आपको भी ये ड्राइंग देखने में मज़ा आ रहा है, आपको भी ड्राइंग करने में मज़ा आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ गाइज, मेरे ब्लॉग चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ब्लॉग चैनल में इसका अपडेट डालते रहता हूँ।